विद्या भारती हरियाणा के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे कुरुक्षेत्र के मोहन नगर में स्थित गीता निकेतन विद्या मंदिर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर विद्यार्थी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। वहाँ पर भारतीय थल सेना से सेनानिवृत्त सूबेदार रविंदर कौशिक, जो कि 1999 कारगिल युद्ध में भी भागीदार रहे हैं तथा वर्तमान में सरबत्ता भला चैरिटेबल ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के सचिव व भारतीय रेडक्रॉस क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर और आजीवन सदस्य हैं तथा उनके साथ कैप्टन गुरमेल सिंह, जो कि पंजाब रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में सिपाही के पद से सूबेदार पद तक पहुंचकर हॉनररी कैप्टन बने और 28 साल तक सेना में सेवाएं प्रदान की। दोनों ने सभी विद्यार्थियों को तिरंगे झंडे के मान सम्मान की रक्षा को लेकर ध्यान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। सभी विद्यार्थी, प्रधानाचार्य व थल सेना के सेनानिवृत्त अधिकारियों ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों ने देश की आन बान शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने तथा अपने जीवन की आहुति देने वाले भारत माँ के वीर सपूतों के सम्मान में उनको सलामी देते हुए घोष वादन किया और इसी के साथ ही वंदे मातरम और भारत माँ की जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर उपस्थित दोनों अधिकारियों को विद्यालय के छात्राओं ने तिलक व बैज लगाकर उनका अभिनंदन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने दोनों अधिकारियों को हर घर तिरंगा अभियान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर स्वच्छता तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागृति लाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री यशपाल वधवा जी तथा विद्यालय ने स्मारक स्थल में स्वच्छता अभियान चलाया और पौधारोपण भी किया।